जी तो भाइयों, कोलंबो ट्रिप की तैयारी स्टार्ट हो गई है। पैकिंग इस वक्त चल रही है, यानी भाई कैंपिंग रिलेटेड स्टाफ पैक कर रहे हैं। उमान भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं जायजे ले रहा हूँ। अच्छा, जायजे ले रहे हैं। ये इस वक्त सारा सामान हमारा भांडे पतीलों से ले के रक्सक और ये सारी चीज़ें, इधर अभी तक चीज़ें हमारी चार्जिंग पे लगी हुई हैं। तो ये पूरे पे हाल अभी तक चल रही है जी। तो भाइयों, सामान पैकिंग स्टार्ट हो गई है। उस्ताद हमारे है डमड़ा उस्ताद, चढ़े में ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं और गाड़ी की छत पे भरी जा रही हैं। टीम्स शेल पंप पे आ चुकी हैं, गाड़ियाँ लाइन है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब जी, ग्रेट। हाल है इमरान भाई जी, ग्रेट। क्या हाल है? ये देख लें जी गाड़ियों के हालात, सामान के, इसको ले के हम लोग बस में। अच्छा खुर्रम भाई, सेटिंग होगी सारी सामान की, गाड़ी लॉक कर दें भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम नानी भाई। ओ खैर, सारी पार्टियां अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरी दफा मिल रहे हैं वैसे, क्या नहीं साहब, पहली दफा मिल रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है। शेरा शेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम भी ट्रिप पे जा रहे हो? नहीं यार, मैं तो आपको ड्रॉप कर रहे हैं। सदर साहब आ गए आज। अस्सलाम वालेकुम जी, सदर साहब आ गए। सदर साहब हमें सी ऑफ करने के लिए आए। सदर साहब स्पेशली जो है ना, वो यहाँ से वो सी ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद ये नारायण से हमें रिसीव भी कर रहे हैं। आप लोग सुना है, उमर उमर है ना सर, बाकी सारी बातें अलग। प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, इस दफ़ा आपके ऊपर है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब। तो बहुत तमीज से रहना है, उनकी इज्जत करनी है। वो आपको यानी कि सीनियर बंदा वो जा रहा है हमारे साथ, है किधर? क्या स्पीड दे, वो है किधर इस वक्त? वो क्या स्पीड ना दे, आपने स्पीड वो है किधर, उसको बुलाओ, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बॉयज। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? सेक्रेटरी वो डेट, ये कोई टाइम है आने का? टाइम से आप जो नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, सबसे मिले और आप अब आ रहे हैं? नहीं नहीं, हम आपके नीचे वेट कर रहे थे। थोड़े नीचे वेट कर रही है, बातें होती हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये सामान किधर रखना है? अस्सलाम वालेकुम है जी इमरान भाई, ये किधर रख रहे हैं? क्या बात है इमरान भाई, रस्सी भी मारी जा रही है। लगते हैं आप रास्ते में उड़ते हुए जाएंगे, तो आप इसलिए सामान की हिफाजत है ना, कि हमें पीछे की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज़ गिर जाए, यानी कि रास्ते में उड़ना भी पड़ सकता है। यानी कि स्पीड इतनी मारनी है कि गाड़ी उड़ानी है, उड़ानी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको रवाना करने हैं हमें। आप लोग वापसी पे कहाँ से रिसीव करेंगे? बिल्कुल इसी जगह पे। नहीं ये तो गलत है, हमें पता चला नारान आ रही हैं पार्टियाँ, हमें नहीं पता जी, पता किया करें। जी साकिब भाई, फिर रेस लगेगी? ना जी ना, प्यार मोहब्बत से सुबह देखते हैं पहले कौन पहुंचता है चित्रा। प्यार मोहब्बत जी साहब भाई, रेडी? रेडी सर, रेडी इंशाल्लाह। देखते हैं सुबह पहले कौन पहुंचता है चित्रा। नहीं ये बात है मेरे साथ ना करना फिर। ओके जी, मानसेरा टनल, अभी हम लोग पहला टनल उससे गुजर रहे हैं। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, फिर कहेंगे हम भी सोते हैं। अच्छा जी, हम लोग अभी काटलिंग रेस्ट एरिया है मर्दान के पास, उधर पहुँच आए हैं। फजर का टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं बस। यहाँ पे थोड़ा सा नमाज वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे।
अच्छा जी चकदरा आ गए हम लोग, गाड़ियों को फ्यूल अप कर लिया हमने एक दफ़ा फिर से, और सब अपनी अपनी गाड़ियों का साफ देख रहे हैं। वो दूर तक एक बंदा अगर नज़र आ रहा हो आपको, आप सोने लगे हैं, आप उठे कब थे, आप उठे कब थे जो सोने लगे हैं, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। यानी भाई सुने चले। अच्छा जी अभी हम लोग टेमगढ़ा बाजार से गुजर रहे हैं, सुबह हो गई है और हमारे तमाम पठान भाई काम काज के लिए निकल चुके हैं। चले यार कुछ चाय वाला भी चेक करो, ये अब आगे छोटे मोटे होटल आ रहे हैं, चाय का कप कप तो हो जाए। और आखिरकार हमें चाय वाला एक मिल ही गया होटल जिस पे हम लोग चाय पियेंगे, आखिरकार मिल ही गया। बात करते हैं आप बहुत तेज गाड़ी चलाई, मैंने किस राय तेज चलाई है, आपने बहुत तेज गाड़ी चलाई है और आपने गाड़ी लाल भाई चाय पीनी है। ओ शोएब चाय का बस कप कप, सिर्फ चाय नथिंग एल्स। फिर इस नाश्ता, नाश्ता हमारा उमर भाई वाला के साथ किधर, बस यहाँ से घंटा डेढ़ और। यानी भाई क्वालिटी जो है अच्छा, क्या क्या है इनके पास, काफ़ी सारी वैरायटी लग रही है। ये क्या चीज़ है भैया, है मक्की वाला रोटी, अच्छा मक्की का, मक्की का, मक्की का। ये कैसा है, ये आलू वाला पराठा है, मैंने ये चने से मंगवाया टेस्ट करने के लिए। अच्छा आलू वाला पराठा, ये आलू वाला पराठा बनवाया मैंने तो स्पेशल नहीं पता चल रहा इसके अंदर, देखो मूड है आलू वाले पराठे हमें मिल गए, मूड सिर्फ चाय पीने का था, साथ ये भी चल रहा है। ये हमारे जंदक सेठी साहब भी आ गए, आलू वाले पराठे नहीं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, आज एमबीसी को वीडियो कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है, ये पूरा ट्रिप इनके वाले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप हमें आज फिर क्या क्या दिखाने जा रहे हैं, हेवन ऑन अर्थ। गुड गुड जी, तो शॉर्ट सी ब्रेक के बाद अभी हम लोग दोबारा निकल चुके हैं चित्राल के लिए टेमरगढ़ा से, और नेक्स्ट अब हमारा स्टॉप ओवर है अयोन में, अयोन है ना, हाँ जी अयोन में, अयोन में वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो टीम कल निकल चुकी थी दो गाड़ियाँ वो वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। अच्छा जी, तो अभी टाइम हो गया 8 बज गए सुबह के और दीर पहुँच गए हम लोग, दीर से क्रॉस कर रहे हैं अब, हमारा यहाँ से चित्राल तकरीबन 100 किलोमीटर रह गए। अब इसके बाद हमारा सबसे पहले आएगा तुम्हारी टनल, वो हमने क्रॉस करना है, और उसके बाद फिर अयोन में जाके अपनी जो टीम हमारी पहुंच चुकी है उसको मीटअप करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि रात से हम लोग निकले हैं नॉन स्टॉप, और फिर आगे हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह मस्तूज के लिए। अच्छा जी, हम लोग अभी बस लोहारी टनल के करीब हैं, थोड़ा सा स्टॉप ओवर किया है, एक गाड़ी हमारी अभी पीछे साकब की वो नहीं आई, उसका वेट कर रहे हैं, बाकी दोनों गाड़ियाँ ये खड़ी हैं, और ये हमारे ऑल राउंडर, हमारे दोस्त, हमारे भाई, जिंदगी में पहली दफ़ा घर से इनको निकाला है हमने, इससे पहले कितनी दफ़ा का लेकिन ये साफ नहीं आए, मौका नहीं दिए, इस दफ़ा हम इनको अगवा करके लाए हैं, बात तो सही है। तो देखते हैं अब ये किस वक्त तक इनको उल्टी नहीं होती है, हमारे साथ रहते हैं। और एट लास्ट हम लोग लोहारी टनल एंटर होने वाले हैं, इससे पहले एक लोहारी पास था जिससे लोग जाते थे, और अब यहाँ पे टनल बन गया है, और अब हम इस टनल से जाएंगे दरी पकड़ के। दीर क्रॉस करते ही सबसे पहले लोहारी टनल आया, लोहारी टनल दो टनल्स पे मुश्तमिल है, पहला टनल जो है वो 8.5 किलोमीटर्स का है और दूसरा 1.9 किलोमीटर्स का है। लोहारी टनल बेसिकली हिंदूकश रीजन में जो माउंटेंस है उसके अंदर है लोहारी पास के नीचे, और ये दीर और चित्राल को आपस में कनेक्ट करता है। इस टनल के बनने से जो 17 घंटे का तकरीबन जो सफ़र था वो कम होकर 7 से 8 घंटे पे आ गया है। 2005 में इस टनल की कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हुई, और 2017
2017 जून में जाके ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और लेट 2018 में ये टनल जो है ये ट्रैफिक के लिए ओपन हो गया। इस टनल के बनने से चित्राल वैली के जो लोग हैं वो थ्रू आउट द सीज़न कनेक्टेड हैं अपने दीर साइड केपीके से, वरना विंटर्स में इन लोगों को वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान में आना पड़ता था। जैसे ही हम लोगों ने लोअरी टनल क्रॉस किया, ये खूबसूरत रास्ता क्रॉस किया, इसके बाद हम लोगों का सफ़र अयून की तरफ गामजन हो गया और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो था वो अयून में अपनी टीम के पास जाके हम लोगों ने नेक्स्ट अपना पड़ाव किया। हाँ जी, मुझे सुन रहे हैं आप लोग? ये आगे नीली छतों वाली बिल्डिंग आएगी, वहाँ से नीचे आपको गाड़ी नजर आ जाएगी। यहाँ से नीचे आओ, यहाँ से नीचे आओ, नीचे आओ। राणा भाई दी ग्रेट, राणा भाई दी ग्रेट, क्या हाल है? आखिरकार आप पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बाकी पार्टियाँ किधर है? किधर? सैयद खान जी दूसरे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है, आप सुनाए? अस्सलाम वालेकुम भाई, मुबारक हो, बहुत 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 और खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आओ जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? और यून में थोड़ी देर के लिए स्टे किया हमने, चाय वगैरह पी। फारूक भाई थे वहाँ पे, उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी मेज़बानी की। वो हमारे दोस्त बाबर भाई के बड़े अच्छे पुराने दोस्त थे, जिसकी वजह से हमारा इनके साथ भी अच्छा इंट्रैक्शन रहा। और इसके बाद हम लोग दोबारा चित्राल की तरफ हमारा सफ़र गामजन हो गया। चित्राल पहुँचते ही हमें एक और चीज़ पता चली, हमारे साथ एक गाड़ी थी इमरान भाई की, पिकअप थी, उसकी वाटर बॉडी लीक कर गई। और अच्छी बात यह थी कि जैसे ही हम चित्राल पहुँचे तब हमें ये चीज़ पता चली, तो हम लोगों ने फिर एक मैकेनिक ढूंढा और गाड़ी फिक्स करवाई। इमरान भाई, क्या हुआ? वाटर बॉडी लीक हो गई गाड़ी की। किसी गाड़ी की नहीं, इनकी गाड़ी की। क्या रही, किसी गाड़ी का शोर है? एनीवेज वलीदा क्या था, मेरी याद ताज़ा की गाड़ी ख़राब करके। और आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमें लगे चित्राल बाज़ार में। गाड़ी का हमने जो काम करवाना था वो करवाया, गाड़ी टेस्ट की, और इसके बाद फिर हम लोग चित्राल से निकल लिए टूवर्ड्स मस्तूज, जो कि हमारा आज का डेस्टिनेशन था। वाहन कॉरिडोर की वजह से सारी रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी चित्राल से मस्तूज तक। और जैसा कि आप अभी ये देख भी रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो बड़ा हैवी किस्म का चल रहा है। जगह जगह रोड की कटिंग हो रही है और किसी जगह पे ग्रेडिंग हो चुकी हुई है, किसी जगह पे नहीं हुई। तो मोर और लेस इसी तरह का टूटा फूटा रास्ता, इस पे चलते चलते हम लोग आखिरकार रात को तकरीबन 9 बजे के करीब हम लोग मस्तूज में पहुँच गए। और सब दोस्त थके हुए थे, सब ने जाके रेस्ट किया, खाना खाया और होटल में चेक इन करके रेस्ट किया। और फिर अगली सुबह उठ के दोबारा से फ्रेश होके हम लोगों ने नेक्स्ट प्लानिंग की। मीनवाइल हमें इतला मिली बाबर भाई जो हमारे साथ नहीं आ सके थे कि उनको छुट्टी उनकी मंजूर हो गई है और वो रात को 8 बजे इस्लामाबाद से चित्राल वाली बस पे बैठ के आ गए। तो आज का दिन जो कि हमारा डे 2 अकॉर्डिंग टू प्लान हम लोगों ने लश्कर गाज के लिए निकलना था, तो ये फिर हमारा रेस्ट डे डिक्लेयर हो गया। हम लोग मस्तूज में ही रहे, मस्तूज के सराउंडिंग्स को हमने कवर किया, और मैं, यासर भाई, नुमान भाई, जो मेरी गाड़ी की टीम थी, हम लोग सनसेट्स और टाइम लैप्स करने के लिए हम लोग शंदूर चले गए। बाकी सारी टीम मस्तूज और उसके सराउंडिंग में ही घूमती फिरती रही इस दिन।
सुबह सुबह जो है जी मैंगो पार्टी हो रही है। मैंगो पार्टी छुप के मैंगो अस्सलाम वालेकुम छुप के मैंगो पार्टी रात को हम लोग आई डोंट नो आपने इंट्रो दिया पहुंचने का ये नहीं मेरे में कोई नहीं मैं अभी जाऊंगा बाहर जाके जरा इसलिए गाइस वेरी सॉरी कल हम लोग चित्राल से निकले और रात को हम लोग तकरीबन किस टाइम पहुंचे थे 9 बजे हम लोग यहाँ मस्तूज पहुंचे। सबकी पैक हुई भी थी गाड़ी का काम ही करवाया था क्योंकि आके सो गए थे अभी उठे हैं सुबह के 8 बज गए थोड़ा जल्दी करें आम खत्म हो रहे हैं पार्टियां सो रही हम थोड़ा मैंगो पार्टी कहते थे चले आप आम खा ले बाकी का व्लॉग इसके बाद दो गुठलियां बची दो गुठलियां पूरी छोड़ दी सब बातें एक तरफ आम ऐसे खाया जाता है बस ये आपको बताना। रेडिएटर में पानी शानी पूरा हो गया है अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं। क्या बात हो रही है तो हाफ सर से होगी सर ये देखें ना सर गाड़ी हो तो ऐसी हो सर वरना ना ही हो वरना उस तरह की हो माशाल्लाह सारी गाड़ियाँ एक बाबा से बात करते हुए तो मैं आ गया मैं ठीक है कोई ना फिर ठीक है किससे बात कर लेते पापा से आई मैं शिदगी मम्मा को पापा से भी आ रहे उठो क्या इल्ला कोको मैया क्या ले परसों सोते हैं अटी 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 आगे साथ से कुरान को मोड़ा आ रहे हैं चलो अस्सलाम वालेकुम परसों सोते हैं सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मुझे देखें तो इसे कैसा हाल है देख तो ले क्या ले अब उठे अब नाश्ता लाके नाश्ता करके सो जाएं ये देखें सर माँ नहीं बच्चों को उठाती उठें नाश्ता करें नाश्ता करके सो जाएं नाश्ता लग गया सर आपको नाश्ते में नाश्ते में दिखाएं जी बिलाल भाई क्या क्या है ये मुझे भी नहीं पता अभी मैं देख के बताऊंगा ये सर भी आलू की भुजी है आलू की भुजी क्या बात है अगले वाले में चेक करेंगे ओए होए फ्राइज और फ्राइज है और इधर मेरे से ऑल मेट्स होंगे ऑल मेट्स क्या बात है क्या बात है भाई नमक दीजिएगा अबे शेयर कैसे है अभी मैं चेक कियो ऑब्वियसली इसका टेस्ट डिफरेंट होगा थ्री नहीं एक प्लेट है भुजिया डाल दो बस बेटा ये ले जी गाइस पानी दे रहे हैं पानी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वंस अगेन आज हमारा डे टू है मस्तूज में। मस्तूज अपर चित्राल दीर की एक तहसील है और बहुत खूबसूरत पॉइंट है। इसकी जो एलिवेशन है वो तकरीबन 2359 मीटर्स है और यहाँ पे मेनली लोगों का जो ज़रिया माश है वो खेती बाड़ी है। इस वक्त भी गंदम लगी हुई थी तो कुछ देर नाश्ता वगैरह करने के बाद मस्तूज के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक छोटा सा ऑफ़रोड ट्रैक जा रहा था तो टीम एमजेसी जो है एज़ यूजुअल एक्सपेडिशन करती हुई इस टेले के ऊपर गए। इस टेले के ऊपर से मस्तूज का 360 व्यू भी नज़र आता था और एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है यहाँ से आपको एक साइड पे ब्रोगल वैली एक साइड पे चित्राल साइड और शंदूर साइड सारी साइड्स आपको क्लियरली यहाँ से विजिबल होती हैं। तो जब भी आपका मस्तूज में चक्कर लगे तो कोशिश करें कि इस पहाड़ के टेले के ऊपर ज़रूर जाएं और यहाँ से 360 व्यू को एंजॉय करें। जी तो नाज़रीन मस्तूज में कुछ देर ठहरने के बाद मैं यासर भाई नुमान भाई और खुरम मेरी गाड़ी की जो टीम थी हम लोग शंदूर के लिए निकल पड़े। हम लोगों ने सोलासपुर में थोड़ी देर के लिए स्टे किया और सोलासपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जो शंदूर से पहले आता है। तो सोलासपुर में थोड़ी देर कैंप करने के बाद
हम लोग हमारा जर्नी जो कंटिन्यू रहा टूवर्ड्स शंदूर, शंदूर लेक पे जाके हम लोगों ने सनसेट किया, थोड़े से नाइट लैब्स किए और उसके बाद हम लोग वापस अपने कैंप मस्तूज वापस आ गए। और ये अभी आप जैसा कि देख भी रहे हैं खूबसूरत किस्म के टाइम लैप्स जो हम लोगों ने वहाँ पे जाके कैप्चर किए और ये उनका रिज़ल्ट है। तो उम्मीद है आपको अभी तक का व्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। गाइस अभी 12 बजे हम लोग चंदूर से वापस आ गए हैं मस्तूज में और हमारी टीम MJC अपने उन चार साथियों के लिए जो भूखे चंदूर से वापस आए हैं गाजियों के लिए, ये देखें पूरा किचन का सेटअप खोला है इन्होंने। क्या तैयार कर रहे हैं सर? हमने आपके लिए शवरमा ब्रेड और रशियन ऑमलेट बनाया। वाह वाह, रशियन ऑमलेट, मैं कहता हूँ लव यू हो गया। यानी साहब दूध पत्ती भी तैयार हो रही है, फिर अभी हम लोग खा ले जाके चीजें तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको अंदर जाके भी दिखाऊं कि हमारे लिए जो इन्होंने रेडी करके भिजवाया है सामान। अच्छा जी, वाह 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 सर, रशियन ऑमलेट बना है गोल इनके, क्या बात है, नोश फरमाया जाए। गुरु भाई अच्छा क्या वो खड्डे वाला क्या सीन था जो रह गया था? नहीं नहीं एक मिनट, बात ये चल रही थी हम कह रहे जी कि गाड़ियां आप लोग किस तरीके से मतलब चलाने के लिए होती हैं। और मैंने कहा देखो हम लोग कब से निकले हैं अभी तक कुछ हुआ गाड़ी को नहीं हुआ ना, यानी कि हम लोग उसी तरीके से चलाते हैं उतना ही इसको पुश करते हैं जितना हमें पता है गाड़ी संभाल सकती है। ठीक, ये पता नहीं क्या समझ। अच्छा खुरम भाई अच्छा वो क्या कयानी साहब मंझे हुए फनकार आदमी है, इनकी तरफ देखें जरा सा, आम आदमी नहीं है, इनका काम है मिर्ची उस्ताद पार्ट 2 सुने सुने, इनका काम है दुनिया जान के जुगाड़ों से लड़ना। ठीक हो गया, 102 पे बैठे हैं, 1 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई, एक दफा बंद हुई, 2 दफा रेस हुई, 3 दफा आप खड़ी की, उन्होंने जान छोड़ो मरी हो इसके सुने। हम भाई साहब के साथ एक लेट पे गए ऊपर, तो वापस जाते हुए सिंधु टाप पे जाते हुए एक जगह पे एक खड्डा रह गया, मैंने इनको कहा गाड़ी टाल करने उस पर भी मार पूरा चांद। अच्छा जी सामान की पैकिंग हो रही है जी। अच्छा आप देखें एक बंदा कितना खुश है, बहुत ज्यादा, कि जिस गाड़ी में सुबह उसने सफर करना है वो देख रहा है उस गाड़ी की पैकिंग के लिए पूरी टीम आ गई है। सर आप खुश नसीब हैं, बहुत लकी यू आर यार। तो साकब ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैंने ऊपर रखा है, इनको दिखाए है ना, वो इन्होंने उसे वो मॉड्यूलेटर में लगाना है, वो उसमें लगाना है ऑक्सीजन खुद, वो गाड़ी में टॉप टेंशन ना ले यार, हम कर लेंगे, ये इनको नहीं ना पता हम कर लेंगे यार, बस आपने इसी तरह रहना है ये चीज। आज का दिन इख्तिताम यहाँ पे हुआ, सुबह की तैयारी होगी, गाड़ियों के छतों पे सामान वगैरह हमने बांध लिया, बाबर भाई भी पहुँच गए थे हमारे पास और इसके बाद हम लोगों ने एक अच्छी नींद की और सुबह उठ के हम लोगों ने हमारा जो मेन डेस्टिनेशन था लश्कर गाज उसकी तरफ हमने रखता सफ़र बांधा। अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये व्लॉग की पहली एपिसोड पसंद आई होगी, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए Stay tuned. See you soon.